रविवार को स्वर कोकिला लता दीदी का निधन हो गया। उन्होंने अपनी आवाज से देशभक्ति जगाई। उन्होंने सभी भाषाओं में मधुर गीत गाकर देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हर तबके की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस श्रृंखला में लता मंगेशकर अस्पताल हिंगना रोड नागपुर में लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत, डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, रंजीत बाबू देशमुख, पूर्व आमदार आशीष देशमुख उपस्थित थे। लता दीदी ने संगीत के क्षेत्र में शासन किया। रंजीत बाबू देशमुख के राजनीतिक गुरु और पूर्व केंद्रीय मंत्री एनकेपी सालवे के साथ उनका एक बहन जैसा रिश्ता था, इसलिए उन्हें रंजीत बाबू और उनके परिवार से भी लगाव था। लता दीदी ने निजी में रंजीत बाबू ने लता दीदी के नाम पर अस्पताल शुरू करने की सहमति दी थी, इसलिए 32 साल पहले उनकी संस्था ने नागपुर में लता मंगेशकर अस्पताल नाम से एक भव्य अस्पताल की शुरुआत की थी। लता मंगेशकर अस्पताल दुनिया का इकलौता संस्थान है जो जरूरतमंदों के लिए वरदान है। इस संस्था का विशेष महत्व है क्योंकि यह एनकेपी सालदेव मेडिकल कॉलेज से संबंधित है। यह अफसोस की बात है कि दैवीय शक्ति प्राप्त करने वाली साम्राज्ञी आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन लता मंगेशकर अस्पताल के माध्यम से लता मंगेशकर अमर है। लता मंगेशकर अस्पताल के कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व विधायक डॉक्टर आशीष देशमुख ने कहा कि पूरी दुनिया लता दीदी की आवाज से मंत्रमुग्ध थी, वे इस दुनिया में नहीं। यह बहुत दुख की बात है। लता मंगेशकर अस्पताल की सेवा भविष्य में भी समर्पित भावना के साथ जारी रहेगी। आज ही प्रत्येक क्षणी आपल्या सोबत राहणारा, कधीही न संपणारा परमेश्वराचा आशीर्वाद। लता दीदी साष्टांग नमस्कार। लता मंगेशकर हॉस्पिटल तर्फे आयोजित या श्रद्धांजली सभेसाठी उपस्थित असलेले आपले सर्वांचे मार्गदर्शक दत्ता मेघे विद्यापीठाचे प्रो चांसलर सन्माननीय डॉक्टर वेद प्रकाश सर, इथं उपस्थित असलेले लता मंगेशकर हॉस्पिटलचे फाउंडर, आपल्या संस्थेचे अध्यक्ष सन्माननीय रणजित बाबू देशमुख साहेब उपस्थित। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर नितिन राउत उपस्थित थे। उन्होंने लता दीदी की नागपुर यात्रा पर प्रकाश डाला, साथ ही कहा कि लता दीदी का जाना एक बहुत बड़ी क्षति है। एका अलौकिक अशा स्वराचा अंत झालेला आहे। लता दीदी ह्या स्वर सर्वसामान्य व्यक्ती नव्हत्या, तर देशाला जोडणाऱ्या, देशाची अखंडता एकात्मता कायम राखण्यासाठी जागतिक स्तरावरती सामंजस्य संपादन करण्यासाठी त्यांनी आपलं जीवन खर्ची घातलं। मग त्यांनी भाषा असो, धर्म असो, प्रांत असो, कसलाही विचार केला नाही। आणि माझा देश आणि माझ्या देशाचं हे संगीत, या महाराष्ट्राचं संगीत, या मराठी मनाचं संगीत, याला त्यांनी ज्या स्तरावरती पोहोचवलं त्याची तुलना आपण करू शकत नाही, त्याचं मोजमाप करू शकत नाही। अशा या लता दीदी यांच्या निधनानं संपूर्ण भारतच नव्हे तर जगातील प्रत्येक देशातील व्यक्ती आज हडवडतो आहे, जो त्यांना ओळखतो। मी धन्यवाद देऊ इच्छेन लता मंगेशकर हॉस्पिटलला की त्यांनी देशात हे पहिलं हॉस्पिटल त्यांच्या नावाचं या ठिकाणी उघडलं आणि आज त्यांना या ठिकाणी त्यांनी श्रद्धांजली वाहिली। मी सुद्धा नागपूरचा पालकमंत्री या नात्यानं आणि राज्याचा मंत्री या नात्यानं त्यांना मनपूर्वक आदरांजली वाहतो। इस अवसर पर सभी ने लता दीदी को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। हालांकि इस दौरान जब पालक मंत्री नितिन राउत को पूछा गया कि कांग्रेस का कोई भी नेता लता दीदी की अंतिम यात्रा पर क्यों नहीं पहुंचा, तब उन्होंने इसका उत्तर ना देते हुए वहां से चले गए। BCN न्यूज के लिए हिंगना से कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ आशीष कुंडाने की रिपोर्ट।